بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرين الكرام أحكام الدين كبرغرام فيش خدمته آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں आज का पहला सवाल है हमारे भाई हैं जो पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मैं सऊदीया में रहता हूं और यहां हमें काफ़ी वक्त मिलता है उम्र कर लेने का तो वालदेन के साथ क्या बिर एहसान का तरीक़ा यह है कि मैं उनकी तरफ से उम्र क्या करूं जबकि मैं इसके पहले भी उमर उनकी तरफ से कर चुका हूँ और या इसके अलावा भी कोई दूसरा तरीका जिसके ज़रिए से उनके साथ मैं बेहसान का तरीक़ा अख्तियार कर सकूँ जवाब में मैं कहूँगा भाई जान ये तो अच्छी बात है कि आप वो सऊदिया में हैं और आप वो उम्र वगैरह के लिए मौका छपाते हैं तारा सबको उम्र करने की तोफीक दे। लेकिन आपका वालदे के साथ हसन सलूक सिर्फ़ उम्रा ही पर मनहसर नहीं है जैसा कि आपके सवाल से अंदाज़ा होता है बल्कि वालदे के साथ हसन सलूक के और बहुत से तरीक़े हैं शाब शायद उनको आप अदा भी करते हों लेकिन समझते हैं कि कोई इबादत कर देंगे तभी उनके साथ एहसान होगा यासन सलूक होगा ऐसी बात नहीं है बल्कि उनके साथन सलूक का तरीक़ा तो माल के ज़रिए भी है और अपने इज़्ज़त अपने इ्ज़ाह के जरिए भी है और इसी तरह से आप जिस्मानी तौर पर उनको कोई नफा पहुंचा सकते हैं अपने हाथ पैर से चल करके जा करके अपने हाथों से ख़दमत करके ये सारे भी ये भी हसन सलोक का एक तरीका है ये जितने भी उनके साथ जितने भी अंदाज़ से आप अच्छा काम कर सकें यह सब हसन सलोक ही में आता है उसके अलावा अगर आप उनकी मुखालफत किसी भी अंदाज से करते हैं यानी या ज़ुबानी तौर पर माली तौर पर अपनी इज़्ज़त के ज़रिए से या अपनी आदमी ख़िदमात के जरिए से इन सब का भी शुमार अकूक में होता है यानी नाफ़रमानियों में होता है और ए, उनकी ज़िंदगी में एहसान करना तो एक मारूफ़ सी बात है हर बच्चे को अपने वालदे के साथ एहसान करना चाहिए लेकिन मौत के बाद उनके साथ एहसान का तरीक़ा यह है कि आप उनके लिए कसरत से दुआ करते हों उनकी मफ़रत के लिए उनके जन्नत में जाने के लिए जहनम से आदाबहन के आदाब से क़ब्र के आदाब से राहत पाने के लिए और इसी तरह से ए, उनके लिए मरने के बाद हसन सलूक में से ये भी है कि उन्होंने जो वसीयत की है कि बेटा ये काम मेरा ये कर देना मरने के बाद ये काम भी पूरा कर देना उनको ये दे देना उनकी इस तरह से कर देना जो भी उन्होंने आपको से कहा हो कि मरने के बाद मेरे लिए इतनी काम कर देना इस तरह के जो काम शरीयत के दायरे में आते हों इसलिए कि ये बता देना ज़रूरी है कि वो हो सकता है कोई आपको कोई ऐसे काम की भी वसीयत कर जाए कि मेरे मरने के बाद ये कर देना जो कि शरीयत के हिसाब से बिदात हो खुराफात हो अल्लाह की नाफरमानी का दर्जा रखती हो तो आपको उस काम के तनफीज़ की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह से उनके साथ मरने के बाद हुस्ने सलूक ये भी है कि आप उनके जो दोस्त थे जो उनके पास बैठते थे या जो जिनके पास ये जाते थे जिनसे मुरासलत थी जिनसे टेलीफोन पे बातचीत थी जिनसे अपनी दोस्ती का इधार करते थे आप भी उनके दोस्त बनने की कोशिश करें और उनके साथ ऐसे ही अंदाज में जैसे कि कोई दोस्त के साथ पेश आता है सलूक से पेश आए इसलिए कि वो आपके वालिद के दोस्त थे या वालिदा के दोस्त थे तो ऐसी सूरत में वालिदा की जो सहेलियाँ हों मिलने वालियाँ हों या वालिद के जो दोस्त हों इनके साथ भी हुसन सलूक वालिद के साथ हुसन सलू करने के दर्जे में है ऐसे ही मरने के बाद उनके साथ हुसन श्रो का एक तरीक़ा ये भी है कि उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके रास्ते से यानी बाप के जो हैं बाप के भाई हैं यानी आपके चचा हैं बाप के बाप हैं यानी आपके दादा हैं या उनके चचा वापाल साहब के चचा हैं यानी दादा के भाई हैं या उनके जो बच्चे या ऊपर जो भी रिश्ते आते हों उनके साथ भी हुसन सलूक करना ये वालिद के साथ हुसन सलूक की सिला रहमी का एक तरीक़ा ये भी है इसी तरह से वालदा के भी जो रिश्तेदार उनके तरीक़े से आते हैं न हैं मामू हैं या इस तरह से खलााओं के बच्चे हैं मामू के बच्चे हैं और इसी तरह से आपके नाना नानी हैं जो भी ऊपर नीचे जो भी जिंदा हुई या जिनके साथ आप आपन सलूक कर सकते हैं ये भी हुसन सलूक भी वालदे के साथ एहसान और हुसन सलूक का एक तरीका है मर जाने के बाद जबकि उनकी ज़िंदगी भी आप जैसा वो चाहते हैं वैसा आप करते हैं तो भी अच्छी चीज़ है आपके भी रिश्ते जैसे आपके वालिद के या वालदा के रिश्तेदार हैं आपके भी रिश्तेदार हैं तो उनके साथ भी हुसन सलूक करना ये वैसे भी ज़रूरी है और उनके मरने के बाद भी इस सिलसिले को बरकरार रखना ये वालदे के साथ हुसन सलूक का एक तरीक़ा है मर जाने के बाद तो इस तरह से कुछ चार पांच चीज़ें यह होती हैं जो मरने के बाद उनके साथ एहसान और हसन सलूक का तरीक़ा पाती हैं लेकिन उनकी जानब से जैसे हमने बताया माली तौर पर भी आप उनके साथ एहसान और हुसन सलूक कर सकते हैं जिसमानी तौर पर भी यानी ज़ुबान से हाथ से पैर से या अपने इज़्ज़ाह के जरिए से भी कर सकते हैं तो माली तौर पर जैसे सदक़ा करना है आप उनकी तरफ़ से सदक़ा करें ये जायज़ है उसका सवाब उनको मिलता है और इसका फ़ायदा है लेकिन यहाँ बात एक और आती है कि इसी तरह का जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बताया कि जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल बंद हो जाते हैं यानी मरने के बाद तो फिर कोई दुनिया में नेक अमल या बुरा तो करता नहीं दुनिया से उसकी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो हो चुकी होती है लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो सवाब के तौर पर मरने के बाद भी पहुंचती रहती हैं उसके हाथ से तो कोई काम नहीं होता है न उसके इरादे हैं न उसका हाथ है न उसका पैर है ना उसके दिल के इरादे हैं ना उसकी ज़ुबान है ना उसके साथ और कुछ है ना माल माल जर है सब कुछ उसका ख़त्म हो चुका मरने के बाद ये ज़िंदगी गई और आखिर तक की ज़िंदगी जो कब्र से शुरू होती है बरज़ की ज़िंदगी वहाँ से शुरू हो जाती है लेकिन अल्लाह के रसूल सल फरमाते अपने हदीस में इदा मातर इंसानों इन कत अमलूहू अमिन जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मन्द हो जाता है बंद हो जाता है यानी अमली ज़िंदगी के जो सवाब या याकाब होते हैं इल्ला मिन सलासिन लेकिन तीन चीज़ों के आमाल उनका सवाब बन जारी रहता है ये तीन अमल जारी रहते हैं आपने फरमाया इल्ला फरमायादिन जारियतीन एक तो ये है जिसका सदक़ा जारिया हो यानी ये सदका किसी दूसरे का किया हुआ नहीं उसी ने किया अपनी ज़िंदगी में ऐसा सदक़ा जिसका फ़ायदा लोगों को बराबर पहुँच रहा है ये सदक़ा जारिया है एक सदका था कि आपने खाना दिया और खा लिया और ख़त्म हो गया और एक सदका यह है कि आपने कहीं नल लगवा दिया कहीं कुआं बनवा दिया कहीं कोई सराय बना दी कहीं कोई मस्जिद या मदरसा बना दिया या कहीं किताब दे दी या कहीं पुल बना दिया या लोगों के लिए आपने ऐसी चीज़ बना दी जिससे उसको लोग फ़ायदा उठाते हैं जिस आपने अस्पताल खोल दिया कुछ भी कर दिया हो आपने लोगों के लिए नफ़े आम के लिए बनाया हो इसको सदके जारिया कहते हैं आपकी नीयत तो उसमें तलब सवाब की हो ज़िंदगी में भी और वो मरने के बाद भी वो काम जारी है तो उसका सवाब भी आपको मिलता रहता है इसको कहते हैं सदका जारिया तो सदक़ा जारिया का अमल उसका सवाब इंसान को मिलता रहता है मर जाने के बाद भी वह नफा भी ही और दूसरा वो है तीसरा आम, दूसरा अमल वह इल्म है जिससे फ़ायदा उठाया जाए वह जिससे उसने किताबें लिखी हैं लोग उससे पढ़ते हैं फ़ायदा उठाते हैं तो उसका सवाब उस लिखने वाले को भी मिलता नियत है उसकी नीयत दुरुस्त और अच्छी है सवाब की चीज़ है उसने इसीलिए किया है तो उसका स्वब मिलता रहता है या इसी तरह से उसने लोगों को पढ़ा दिया है लोगों को ये भी कि इल्म है तालीम देना भी एक इल्म है जो लोगों को पहचाया था आप डे पहुँचाइए या, या जुबान से सिखा कर पहुँचाइए हदीस में जो आदमी किसी को एक अच्छी बात बता देता है तो उसका सवाब तो उस करने वाले को मिलता है उसका सवाब इसको भी मिलता है जिसने उसको बताया मंदल अला खैरिन फाजरह अला कफ़ा अली तो उसका भी है जो करने वाले की तरफ से इसका भी सवाब मिलता है तो आप किसी अच्छे चीज़ को बुलाते हैं कोई इल्म सिखा देते हैं तो वह इम फैलाने का इलम वह है जिससे नफ़ा उठाया जाता है चाहे आपने किताबें लिख दी हों चाहे आपने सिखात पढ़ा दिया हो ये भी है, इल्म है। लेकिन इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए वो इल्म नहीं जिससे कि नुकसान पहुंचता हो हदीस कल जो इल्म भी ही है यह वो इल्म जिससे लोगों को नुकसान पहुँचता हो जैसे बुराई फैलती हो तो वो इल्म यह बुराई की किताबें लिख दी हो आपने या इस किस्म की बातें तहरीर करते हैं जिससे लोगों को फिर इन फितरों फसाद फैलता है दीन से बेजारी फैलती है गलत काम की तरफ जाते हैं कतरों कितार की तरफ जाते हैं कुछ और भी ऐसी चीज़ है जो कि नाक चीज़ों पर दलालत करती है तो ये इंतफा भी इंतफा भी नहीं है बल्कि ये, न, ये वो ऐसा इल्म है जो नुकसान पहुँचाता है उसका सवाब नहीं उसका तो ऐसा काम मिलता है लेकिन ये सदक़े जिसका तीन काम जिसके सवाब मिलते रहते हैं उनमें से एक इलमतुद भी दूसरा काम ये था तीसरा काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लास ने बताया कि आदमी के मर जाने के बाद जिसका सवाब उसको मिलता रहता है वल्दिन सालहिन यह दरोलहू है नेक बख्त औलाद जो उसके लिए दुआ करते हूँ इस औलाद के औलादाल साल के दरमियान जैसे बच्चे दाखिल हैं बच्चियाँ भी दाखिल हैं और इसी तरह से उनकी तालीम तरबियत से जो भी आगे हैं वो सब दाखिल होते हैं तो ये वल्दिन सालहिन यह दरोलहू तो नेक बख्त बच्चे जो उसके लिए दुआ करते हों इसमें आप अल्लाह के रसूल ने जो दो तीन चीज़ें बताईं उनमें से एक सदक़ा जारिया है उसी आदमी का काम होता है जो खुद करके जाता है इलमिनत बिही में वही काम होता है जिसका वो खुद ही बना कर जाता है किताबें ख़रीद कर दिया जाता है सदक़ जारिया में से भी है यह किताब लिख के जाता है लोग सिखा पढ़ा के जाता है तालीम देकर जाता है दर्श देकर जाता है लेकिन ये वालदिन यह दहू ये उसके मरने के बाद उसके हाथ का किया हुआ काम नहीं है लेकिन ये उसके नेक बच्चे जो खुद दुआ करते हैं दुआ करते हैं तो बच्चों की दुआ भी वालदे के हक़ में ये मुफ़ीद है और नफा बख्शा और सवाब का काम है उसका सवाब ये दुआ करता है इस्तार के लिए दुआ करता है उसकी जन्नत में जाने के लिए उसके गुनाहों के मिटाने के लिए इस किस्म की सारी दुआएँ इसकी तौबा इसतार की जो इस्तारात में होती हैं ये मरने वाले के लिए मुफीद होती हैं तो अब इस हदीस के जिक्र करने से मेरा मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मर जाने वाले इंसान के लिए नफा बख्श जो चीज़ें बताई हैं जिस वक्त आपसे पूछा गया तो आप ये बता सकते थे उसके लिए पा उसके लिए बाद में उम्रा करो उसके लिए रोज़ा रखो उसके लिए हज करो उसके लिए कुछ भी करो सदक़ा और खैरत करते और सब कुछ बता सकते थे लेकिन आपने जिस चीज़ को तरजीह दिया बताने में जो दूसरे के हाथ से होता है उस मर उस मुर्दे के हाथ से नहीं मुर्दे के हाथ से सदक जारी और इल्म भी का तो आपने तस्करा किया लेकिन है तो ये ये तो तो बाद में उसके बाद भी ज़िंदा रहता है तो आप जो आप नेक हैं अपने वालदे की तरफ से उम्र करना चाहते हैं कीजिए लेकिन रसूल अलैहि वसम उस मौके पर जो इर्शाद फरमाया जिसको बताया आपने कहा कि वल्द सालेह से उसके लिए दुआ करें मैं ये बता बताने के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मकाम अव्वल पर आपके लिए वालदेन के सिलसिले में हसन सलूक तो सबसे बेहतर यह है कि आप उनको दुआओं में हमेशा याद रखें जहाँ आप सदका करते हैं जहाँ आप उनके लिए उम्र करना चाहते हैं जहाँ और कोई नए काम करने उनकी वसीयतों को पूरा करना चाहते हैं या इसी तरह से उनके रिश्तेदारों सिला रहमी करना चाहते हैं मक़ाम अव्वल पर यह है कि आप उनको दुआओं में याद रखें दुआओं में उलसन यह दौा की हदीस इसी बात पर दलालत करती है अब इस बताने के साथ हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल चीज़ जो इस इसमें बताई वो दुआ करना है उसके बाद जो काम जायज़ हैं उस कीजिए शुबा कीजिए सदका कीजिए खैरात कीजिए इसका भी तस्करा हदीसों में आया हुआ है करने के लिए लेकिन आपने जो इरशाद फरमाया कि जो काम मरने के बाद उसके लिए जारतल यह दौा ने नेक बख्त बच्चे औलाद जो उसके लिए दुआ करते हैं लिहाजा मकाम है पर दुआ में याद रखना इसको ना भूलिएगा बक़िया आप और उन जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं जो उससे कम उससे नीचे की चीज़ें हैं वो भी अल्लाह के रसोल से पूछी गई थी तो आपने कहा ठीक है करो जैसे हदरत सुदिब ने वादा हैं इन्होंने रबी वसम् से पूछा कि क्या अपने माँ की तरफ सदक़ा करें तो आपने उनको इजाज़त दी कि हाँ अपने माँ की तरफ से सदक़ा करो तो गोयादा खैरत भी काम है लेकिन आपने जो इर्शात फरमाया वो दुआ के लिए पहले इर्शात फरमाया आपने और पूछने पर आपने बताया कि सदक़ा खैरात भी दुरुस्त है इसी तरह से जिस एक आदमी ने पूछा था हज के मौके पर या इसके हज के अलावा भी तो उसने पूछा कि अपने वाले वालदा के साथ या वालिद का तस्करा है मर गए हैं जो बैठ सवारी पर बैठ नहीं सकते थे या किसी ने पूछा कि हमारी माँ उनका इंतकाल हो गया अचानक अगर वो बोलती रहती जानती तो कहती कि सदक़ा करो तो सदका करती खुद ही तो क्या उनकी तरफ सदका करूं या जिसने पूछा कि वो हज नहीं कर सकें तो क्या उनकी तरफ करूं? हज करूं यानी हज बदल की बात थी तो आपने कहा करो तो ये सब आमाल बच्चों के ज़रिए से रिश्तेदारों के ज़रिए से मुमकिन है उस इंसान के लिए जो मर चुका हो और उसके बाद उसके अमाल के लिए ये उसके लिए बेहतर करना चाहते हों तोली तौर पर भी कर सकते हैं यानी हज कर सकते हैं जक़ात सदक़ात अदा कर सकते हैं इसके अलावा भी नेक काम उनके साथ उसने शुरू किया वो भी कर सकते हैं उसने सुलूक भी होगा और उनके साथ उसमें नीयत सवाब है तो उनका सवाब भी उनको पहुँचता है और इसी तरह से आप यानी जो पूछा है ख़ास तौर से उम्रा करने के लिए आप उम्र भी कर सकते हैं वालदा की तरफ से कर चुके हैं कीजिए माँ बाप की तरफ से कर चुके हैं कीजिए दोबारा कीजिए इस बारह कीजिए कुछ हर नहीं इसको रोका नहीं जा सकता है लेकिन मकाम अव्वल पर यह कहा था कि दुआओं में उनको कभी ना भूलिए आइए हम एक और सवाल की तरफ आते हैं यहाँ तो जो सवाल इसके पहले था वो वालदे के साथ उसने शुरू का था लेकिन यहाँ ये यह कह रहे हैं कि वालदेन हमारे ज़िंदा हैं हमारे भाई कह रहे हैं कि मेरे वालदे जिंदा हैं कुछ मेरे दोस्त अच्छे हैं नेक हैं इताद हैं और फरमा बरदान फर्मा बरदान अल्लाह तला के और उम्र और हज करते वरते भी रहते हैं लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी उनके साथ उम्र पर चलूँ मैंने अपनी इस रगबत को अपने वालदेन से ज़ाहिर किया तो उन्होंने कहा कि नहीं मत जाओ अभी या इसी तरह से उनका यह है कि मेरे बच्चे दोस्त हैं मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन वो लोग मुझको कभी कभी इस बात से रोकते हैं तो क्या मैं उनकी एतात करूं या कि नेक कामों के लिए मैं सफ़त करके जाऊं तो जवाब में हम ये कहेंगे कि भाई देखिए जो काम अल्लाह की एतात के हैं और वो आप पर फ़र्ज हैं तो आप अल्लाह ताला की एतात में किसी और मखलूक की एतात न कीजिए एक बात ये हो गई और दूसरे ये है कि अगर कोई आदमी आपको कहता है कि अल्लाह के लिए नाफ़रमानी करो तो आप अल्लाह के किसी भी ऐसे किसी काम के नाफ़रमानी का होती है तो आप उसकी अतात वहाँ भी ना करो ये मेार बना लीजिए फिर किसी के साथ भी आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं जहाँ तक आपके सवाल की है कि आपको वालदे आपको इसे नेक काम में जाने से रोकते हैं या नेक लोग साथ रहने से रोकते हैं तो इसकी तफसील हम किसी और हल्के में आपसे सामने पेश करेंगे जब तक के लिए इजाज़ दीजिए और इसी पर इतफा करते हुए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खैर से रखे हमको खैर से रखे और हमारे तमाम नाजरन सबको खैर से रखे और जो लोग आप तक इस प्रोग्राम के पहुँचाने में ताउन देते हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत व अवियत अदा फरमाए और जदाय खैर देकम वरहल वबरकू